हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। फ्रेंड्स, जब हम नर्सरी से प्लांट खरीदने जाते हैं, अगर हम कोई भी प्लांट खरीदते हैं तो वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। जैसे कि एडेनियम का प्लांट हुआ, ये प्लांट जो है दोस्तों कि 200-300 से नीचे का मिलता ही नहीं है, चाहे हम कहीं भी देख लें, कितना भी कम करें पर नर्सरी वाले मानते नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं ऑनलाइन ये एडेनियम के प्लांट मंगाई हूँ जो मुझे काफ़ी सस्ते मिले हैं। 3 का कॉम्बो पैक है जो मुझे मिला है। तो चलिए देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं एडेनियम हमारा कैसा है। मुझे इसकी पैकेजिंग तो अच्छी नहीं लग रही है, पर देखते हैं। यहाँ देखिए, उन्होंने होल किया हुआ है ऑक्सीजन के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा एडेनियम कैसा आया हुआ है। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एडेनियम जो है काफ़ी अच्छा प्लांट है, गर्मियों का बहुत ही अच्छा प्लांट है। यह धूप में भी बहुत आसानी से रहता है। इसके फूल भी काफी अच्छे होते हैं, इसे ज्यादा पानी की जरूरत तो नहीं होती है। देखिए, मैं खोल रही हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा एडेनियम का प्लांट, इसकी पत्तियां जो है सूख के गिर गई हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमें 1 हफ्ते के बाद रिसीव हुआ है। देखने में तो ये ठीक ही ठाक लग रहा है। चलिए अब इसको रिपोर्ट करते हैं, तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होता है। हमने हाइब्रिड मंगाए थे, अब देखते हैं ये हाइब्रिड है या फिर देसी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा एडेनियम का प्लांट, हमने तो इसे हाइब्रिड मंगाया था, पर देखने में तो ये देसी लग रहा है। देखिए, चलिए अब हम इसको अपने गमले में रिपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने गमला तैयार कर लिया है। इसमें हमने नीचे थोड़ी सी बालू डाला है, क्योंकि जो हमारा एडेनियम है वो हमें कोकोपीट में लगा हुआ रिसीव हुआ है। अब चलिए हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसकी रूट एकदम नीचे तक बाइंड हो गई है। अब हम इसको इसमें इसमें हल्का सा अपने गार्डन की सॉइल है इसको डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने एडेनियम के अपने प्लांट को इसका छोटे से गमले में रिपोर्ट कर दिया है। देखने में तो ये ठीक लग रहे हैं। अब हम इसमें पानी दे देते हैं। हमने इसमें पानी दे दिया है। हम इसको 1 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रख देंगे, और फिर दूसरे दिन से हम इसे डायरेक्ट धूप में रख देंगे, क्योंकि इसे धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, ये धूप में ही खिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऑनलाइन एडेनियम के प्लांट परचेज करना चाहते हैं, तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।